देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 2 दिसंबर 2021 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 44 नए मामले, मौतें एक और 26 रिकवरी दर्ज की गई। सक्रिय मामले 293 हैं। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 668 नए मामले सामने आए हैं, 675 रिकवरी हुई हैं, 12 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7712 है। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 41 नए कोविड 19 के मामले, 32 रिकवरी, 3 मौतें दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामले 331 हैं। नंबर चार, हरियाणा में आज 24 नए कोरोना के मामले आए हैं, 18 रिकवरी हुई हैं, कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामले 169 हैं। नंबर पांच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 193 नए मामले सामने हैं, 153 रिकवरी हुई हैं, 1 लोगों की कोरोना से मौत हुई। सक्रिय मामले 3630 हैं। नंबर छह, असम में कोरोना वायरस के 187 नए मामले सामने आए हैं, 195 रिकवरी हुई हैं, 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 2612 है। नंबर सात, कर्नाटक में आज कोरोना वायरस के 322 नए मामले सामने हैं, 162 मरीज ठीक हुए हैं, 2 लोगों की कोरोना से मौत दर्ज की गई है। राज्य में कुल सक्रिय मामले 6603 हैं। नंबर आठ, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 48 नए कोरोना के मामले आए हैं, 11 रिकवरी दर्ज की गई, इस दौरान कोई भी मौत नहीं हुई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 178 है। नंबर नौ, तमिलनाडु में आज कोरोना वायरस के 718 नए मामले सामने हैं, 751 मरीज डिस्चार्ज हुए, 11 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोविड के सक्रिय मामले 8200 हैं। नंबर 10, पौंडीचेरी में आज 41 नए कोरोना के मामले, 35 रिकवरी दर्ज की गई है और एक मौत हुई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 289 है। नंबर 11, गोवा में कोरोना के 62 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, कोरोना से 19 लोग ठीक हुए हैं और कोई भी मौत नहीं हुई है। सक्रिय मामले 327 हैं। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 184 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 184 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2149 है। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 21 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 11 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामले 203 है। नंबर 14, केरल में कोरोना संक्रमण के 5405 नए मामले सामने हैं, 4538 लोग ठीक हुए हैं और 403 मौतें हुई हैं। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 44778 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 17 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, कोई भी मौत नहीं हुई, 12 ठीक हुए हैं, सक्रिय मामले 124 हैं। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 12 नए मामले सामने हैं, 16 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामले 94 हैं। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 74 नए मामले सामने हैं, 43 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 864 है। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 20 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 659 है। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 2 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, 6 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामले 32 हैं। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 237 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 186 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 2237 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 15 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 8 लोग डिस्चार्ज हुए, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 88 हैं। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 776 नए मामले सामने हैं, 903 रिकवरी हुई हैं, 28 लोगों की कोरोना से मौत हुई, सक्रिय मामले 11062 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 6 नए मामले सामने हैं, 3 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामले की संख्या 92 है। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 39 नए कोरोना के मामले सामने हैं, 40 रिकवरी हुई हैं, कोरोना से 1 मौत हुई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 286 है। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 3 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामले 35 हैं। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 5 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामले 66 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 234 नए कोरोना के मामले सामने हैं, 171 रिकवरी हुई है, 1 मौत दर्ज की गई। केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1687 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 30 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 26 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामले 298 हैं। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 275 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 205 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 3772 हैं। तो ये थे आपके राज्यों के 24 घंटे के कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।